सो ऑस्ट्रेलिया की आप गल करिए इस वेले कुछ चंगे रिजल्ट्स भी देखे जा रहे हैं जिसनों आप काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं कि जेडे जेन्युइन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया चंगे ढंग फाइलिंग की तो उन्होंने वधिया आप वीज़ा लगते भी देख रहे हैं। पर इतने सवाल एक वड्डा बनया होया है 2022 पास आउट स्टूडेंट्स का, क्योंकि असं सारे जानते हैं कि जी टी की अपडेशन तो बाद रीसेंट पास आउट स्टूडेंट न ही ऑस्ट्रेलिया जो है एडमिशन दे रहा है। तो हूँ स्टूडेंट की करे 22 पास आउट वाला, उन्हों की गल करा 23 पास आउट वाल की भी गल करांगे जिन्होंने हले अप्लाई करना या अप्लाई कर चुके ने पूरा चीज़ों कई बार समझना चाहते हैं कि जी टी कई की डिले हो रही है, किवें का प्रोसैस चल रहा है, रिजल्ट्स किस तरह के अगों आने की उम्मीद की जा सकती है। सो ये कुल मिला के सारे थोड़े जोड़े सवाल साढ़े तक पहुँचते हैं, उन्होंने ही जवाब थोड़े तक पहुँचाने की असं कोशिश करा। स्वागत है थोड़ा सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर, तो अच्छे सारी सवालों के जवाब सारी जानकारी थोड़े साझी करे क्रिएटिव फ्यूचर कंसुलेंसा तो वीज़ा एक्सपर्ट गुरप्रीत कौर जी साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्रीकाल जी, थैंक यू। सो गुरप्रीत जी, सब तो पहला आप हुण दी गल करिए नवंबर इनटेक की गल कर लईए, किस तरह का हुण प्रोसैस चल रहा है, किस तरह के किन्नी क हले भी फाइलिंग होने की हले उम्मीद है, समा बचे है या फिर हुण स्टूडेंट नवंबर इनटेक हले अपलाई नहीं कर सकता, पहले तो ये जरूर क्लीयर करो। हरजोत जी, जदों भी बच्चा एडमिशन लैन लई आउंदा है तो सब तो वड्डा सवाल है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का जिहड़ा कि पी टी स्कोर की चाहिए, किन्ने पी टी स्कोर वाला बच्चा किहड़े कॉलेज च जाऊगा, लैवल वन कॉलेज च जाऊगा, बड़े मेजर जे जिहड़ियां क्वेश्चन जिहड़े बच्चों दे तक इनफॉर्मेशन भी पहुँच रही है पर किते ना किते उन्हां दे क्लीयर नहीं हो पा रहे। 50 पी टी स्कोर वाला बच्चा 2023 पास आउट बच्चा लैवल वन के कॉलेज के एडमिशन लै सकता है, पर 2022 पास आउट बच्चा वो सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा गैप जस्टिफिकेशन बनया होया, जे तो वो जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशन हैगी आ फिर तो उस चीज़ नूं किते ना किते एडमिशन अक्तूबर नवंबर के असी नवंबर के पा के बच्चे का वीज़ा लिया जा सकता है। बट जे बच्चे को गैप जस्टिफिकेशन भी नहीं है, पी टी स्कोर भी घट है, फिर किते ना किते असी बच्चे नूं कल्चर प्रोग्राम के मोल्ड करन दी कोशिश कर रहे हैं, जां अदर कंट्री दे विच असीं उन्हूं सुजेस्ट कर रहे हैं कि अप्लाई कर ला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दा सीधा साफ स्पष्ट शब्दां दे विच जवाब है कि गैप वाले बच्चों ओह एडमिशन देन लई उत्थों दे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रेडी नहीं है। तो इस करके असीं जदों भी बच्चा साढ़े कोल आउंदा है उन्हूं समझाने की कोशिश की जाती है, पर बच्चे नूं लगता है कि मैनू जवाब दे दिता गया, मेरी प्रोफाइल नहीं चकी गई, कितने ना कितने बच्चा इस चीज़ नूं लैके अपने जहन दे विच सवाल रखता है। कई बार मैं लाइव भी हुंनी हां ते उत्थे भी बच्चे नूं ये हुंदा है कि मैनू बुला लिया गया, मेरी प्रोफाइल नहीं चकी गई। जो साडे कोल अवेलेबिलिटी है, जो साडे कोल कॉलेजेस हुंगारा दिंदे आ, जो सानूं सिस्टम तों उत्थों अपडेशन आंदियां है उहदे अकॉर्डिंगली ही असीं तुहाडियां प्रोफाइल्स तुहानूं गाइड कर सकदे हां। बट 2023 वालियां लई भी मैं कहनी हां कि लास्ट ऑप्शन है, एडमिशन लै लो, ये ना होवे कि जनवरी 2024 के ऑस्ट्रेलिया तुहानूं एडमिशन भी ना देवे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दे जिथे सक्सैस रेट अच्छा है, वीज़ा आ रहे हैं, पर उत्थे प्रोफाइल्स भी चूज़ करके ही चक्कियां जा रही ने। हर किसी नूं एडमिशन्स लेना इन्ना ईजी नहीं है, जी टी क्राइटेरिया दे उत्ते पूरा इस टाइम दबदबा है बच्चों के कि जी टी क्लीयर होने ते फंड की दो बार एक बार इंक्वायरी हो रही है, जे फोन कॉल ते इंक्वायरी होंदी आ नाल दी नाल ईमेल भी कर दित्ती जांदी आ बैंक नूं। इस करके सारियां चीज़ां ध्यान दे विच रखो, 50 पी टी स्कोर वाला बच्चा 2023 वाले नूं मोस्ट वेलकम, आओ एडमिशन हो जूगी, बट जिहड़ा 50 स्कोर वाला 2022 पास आउट आ उन्हूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल चलना पऊगा, गैप जस्टिफिकेशन दे उत्ते ध्यान देना पऊगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं इतने जरूर उन्होंने स्टूडेंट्स बारे गल करना चाहूँगी 22 पास आउट की जिन्हें आप गल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जड़ी कोई चंगी प्रोफाइल होएगी उसके भी रेयर चांसिस आप मान सकते हैं कि चलो एडमिशन हो सकती है, पर नाल दी नाल स्टूडेंट्स नूं होर किस तरह की तैयारी भी रखनी चाहिए है ता कि इनकेस अगर ऑस्ट्रेलिया उन्हों का नहीं भी बन पाता है तो किस तरह नाल अगे वधन किवें दी तैयारी दे नाल अगे वधन। हरजोत जी, सब तो बेस्ट ऑप्शन बच्चे लई कल्चर प्रोग्राम है, असी कल्चर प्रोग्राम बच्चे नूं सुजैसट कर रहे हैं कि कल्चर प्रोग्राम च अपलाई करके स्टडी परमिट उत्थे जाके कन्वर्ट करा लेंगे, पर उहदे लई असैसमेंट जरूरी है कि सब तो पहला सानू कॉलेज वालों ऑफर लैटर लई जिहड़ी असैसमेंट लैके रखनी पैंदी आ, सब तो वड्डा पार्ट साडा असैसमेंट दा रहिंदा। जे असैसमेंट क्लीयर हो जांदी है ते असीं बच्चे नूं कल्चर प्रोग्राम दे विच चक लैंदे आ कि कल्चर प्रोग्राम च असीं इत्थों वीज़ा ग्रांट करा के उत्थे स्टडी परमिट जिहड़ा उह तुहाडा कन्वर्ट करा लेंगे। बट फिर भी लगदा है कि बच्चे दा इह नहीं हो पा रिहा ते बच्चे नूं अदर कंट्री दी ऑप्शन लै लैनी चाहीदी आ, क्योंकि बैठ के अपना टाइम खराब करन दा कोई
फायदा नहीं है। कोई ऑस्ट्रेलिया लीनियंट नहीं होने लगा, ना लीनियंसी दिखाऊगा वो। मैनू नहीं लगता गैप जस्टिफिकेशन को लैके कोविड तो स्टार्ट हुई सी ये चीज़ हूँ तक चल रही है, कितने भी ऑस्ट्रेलिया ने हूँ तक लीनियंसी नहीं दिखाई। अगला ऑप्शन ये है कि बच्चा अपना इंडिया के जो प्लस टू की अपनी ग्रैजुएशन कंप्लीट करे, अपनी स्टडी ग्रैजुएशन कंप्लीट करन तो बाद अप्लाई कर ले, बिल्कुल फ्री ना बैठे, वेला ना बैठे कि अज नहीं मैं कल ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लूँगा, जा नाल दी नाल कोई कोचिंग ले ले अपनी, जा कोई डिप्लोमा कोई कोर्स आईटी सैक्टर दे विच कोई कोर्स होगा उहदे विच अपना एक गैप जस्टिफिकेशन तैयार करके रखे। ये नहीं ना सोचे कि मैं आराम ना बैठा रहूँगा तो ऑस्ट्रेलिया मैनू वीज़ा दे दूंगा। मेरे अकॉर्डिंगली गैप विदाउट गैप जस्टिफिकेशन विदाउट फंड वेरीफिकेशन ऑस्ट्रेलिया कितने भी अपनी लीनियंसी नहीं दिखाऊगा। इस करके ये चीज़ा अपन ध्यान दे विच रखनिया चाहीदियां, उन्हां दी चैकलिस्ट नूं कंप्लीट करके ही आपां वीज़ा लै सकदे हां। नहीं यूके इस टाइम ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों लई ऑप्शन हैगा, बाकी पीटी स्कोर ते कैनेडा ने भी लीनियंसी दित्ती है, तुसीं उधर भी मोल्ड हो सकदे। जी 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 बिल्कुल जरूर, देखो सारे स्टूडेंट्स लई ही असीं इह इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आने हां, माहिर कंसल्टेंट की सलाह भी तुहाडे तक पहुँचाते हैं ताकि तुसीं सही रस्ते ते ही अगे चलो, कितें मिसगाइड ना होवो। अगर कितें लगता है चांसिस थोड़े घट ने, नाल दी नाल किहड़ियां ऑप्शनस ते भी तुसीं ध्यान रखो तां कि तुसीं अपने कीमती समय नूं बर्बाद ना करो, कोई खास इनटेक तुहाडे हत्थों ना खुंज जाए। कोई होर सवाल होवे नंबर भी डिस्प्ले है, तुसी जरूर इस नंबर ते कॉल करके अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। अगों दा प्रोसैस अगर कंटिन्यू करना चाहते हो समझना चाहते हो तो जरूर इतने कॉल करके पूरी जानकारी तुसी लै सकते हो। तो गुरप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स, ये बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के जहन में हमेशा चलते हैं जिन्हों का तुसी टाइमली जो है पूरी क्लैरिटी के नाल जवाब स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हो इन्हां वीडियोज़ के जरिए। तो असीं अगों भी इसे ढंग नाल होर इनफॉर्मेटिव वीडियो स्टूडेंट्स लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही सानू दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।